वीडियो में हम लोग LLB के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे LLB क्या है, LLB कौन कर सकता है, LLB की एज लिमिट क्या है, LLB करने के लिए आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी और उसके साथ साथ LLB करने के क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, अगर आप LLB के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको LLB की फ़ीस के भी बारे में बताऊंगा, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आयुष और सभी का हमारी YouTube चैनल आयुष अरीना पे स्वागत है। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं LLB क्या है, व्हाट इज LLB। तो दोस्तों, LLB एक डिग्री कोर्स है जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, जिसे आमतौर पर बैचलर ऑफ लॉ भी कहते हैं। ये एक लॉ की डिग्री होती है। ये कोर्स 3 साल या फिर 5 साल का होता है। ये कोर्स सेमेस्टर वाइज पढ़ाया जाता है। अगर आप 3 साल वाला कोर्स करते हो तो इसमें 6 सेमेस्टर होंगे। अगर आप 5 साल का कोर्स करते हो तो इसमें 10 सेमेस्टर होंगे, यानी कि 1 सेमेस्टर 6 मंथ का होता है। अब हम बात करते हैं LLB कौन कर सकता है। तो दोस्तों, LLB अगर आप 12th पास किए हैं तब भी आप कर सकते हैं। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तब भी कर सकते हैं। अगर आप 12th बाद LLB का कोर्स करना चाहोगे तो ये कोर्स आपको 5 साल का होगा। ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसे BA LLB कहते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद LLB का कोर्स करना चाहोगे तो ये कोर्स 3 साल का होगा। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद ये कोर्स करना चाहते हो तो ग्रेजुएशन आपकी कोई भी स्ट्रीम हो, आप ये कोर्स कर सकते हो। आपने चाहे BA किया हो, यानी कि ग्रेजुएशन में अगर आपकी आर्ट्स स्ट्रीम है, आपकी साइंस स्ट्रीम है, अगर आपकी कॉमर्स स्ट्रीम है, तब भी आप ग्रेजुएशन के बाद LLB का कोर्स कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर उन्हें LLB का कोर्स करना है तो उन्हें कौन सा कोर्स करना चाहिए, 5 साल वाला कोर्स करना चाहिए या फिर 3 साल वाला कोर्स करना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आप 5 साल वाला भी कोर्स कर सकते हैं, आप 3 साल वाला भी कोर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि आपको LLB का कोर्स करना है तो बेहतर यही होगा कि आप 12th के बाद BA LLB का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है उसे आपको करना चाहिए। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि इसमें आपको 1 साल आपका बच जाएगा। ये आपको टोटल कोर्स 5 साल का होगा। लेकिन अगर आप 12th के बाद ग्रेजुएशन करते हो जो कि 3 साल का होता है, उसके बाद आप LLB का कोर्स करते हो जो कि 3 साल का होता है, तो ये दोनों कोर्स को मिला के 6 साल लगेंगे। लेकिन अगर आप 12th के बाद डायरेक्ट BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हो जो कि 5 साल का होता है। अब हम बात करेंगे कि LLB कोर्स की फ़ीस कितनी होती है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि LLB कोर्स करने के लिए एज लिमिट क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 12th के बाद LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 20 या फिर 22 साल होनी चाहिए। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कि LLB कोर्स की फ़ीस कितनी होती है। तो देखो दोस्तों, LLB कोर्स की जो फ़ीस है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ पर, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ की जो LLB की फ़ीस होती है वो सेम नहीं होती है। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से LLB का कोर्स करना चाहोगे तो इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि 1 साल की फ़ीस आपको 1-1.5 लाख रुपए तक जाएगी। लेकिन अब अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से LLB का कोर्स करना चाहोगे तो इसकी फ़ीस काफ़ी कम होगी। इसमें आपको समझ जाओ कि 50,000 रुपये 1 साल की फ़ीस लेगी। अगर हम सेमेस्टर वाइज बात करें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में 20,000 रुपये 25,000 रुपये पर सेमेस्टर फीस लगती है। अगर आपको LLB कोर्स में एडमिशन लेना है तो इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। बहुत तरीके के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य और जो सबसे फेमस एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो है CLAT का, यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। दोस्तों, ये ऑल इंडिया लेवल पर होता है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो खुद का LLB का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है। तो आप जिस भी शहर में हैं उस कॉलेज में आप LLB का कोर्स कर सकते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं LLB कोर्स करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आपका इंटरेस्ट लॉ में है तो लॉ की पढ़ाई करके आप आगे जाके लॉयर बन सकते हैं, आप उससे भी आगे जाके जज बन सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही रेस्पेक्टेड जॉब है। अगर आप लॉयर बन जाते हैं, आप जज बन सकते हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी। अगर आप सैलरी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि सैलरी के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो मैं आपको लॉयर की सैलरी, जज की सैलरी, इन सभी के ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि
किसकी कितनी सैलरी होती है। तो दोस्तों आप अगर चाहते हैं तो प्लीज़ इस बात को कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।